नमस्कार, आप देख रहे हैं रामू सर। डियर, मैं आपके लिए एक खास पेशकश लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपको वादा किया था कि जिन लोगों ने नीम के पेड़ में पानी दिया था साईं बाबा के वचन से, मेरी पहली वीडियो आपने देखी होगी, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है और पसंद भी किया है। और उसमें जो ज्ञान दिया था साईं बाबा के नीम के पेड़ में पानी चढ़ाने का मुहूर्त, कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किए हैं। कमेंट बहुत अच्छे भी थे, कुछ क्रिटिकल भी थे। जैसा कि ये समाज में अच्छाई बुराई दोनों साथ चलती है, मैंने उनके जवाब भी बड़े अपने बाबा के तरीके से ही दिया है, उनको पसंद भी आया है। जवाब वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, सबका धन्यवाद। और मैंने वादा किया था कि मैं अब उन लोगों के अनुभव भी आपको बताऊंगा जिन्होंने बाबा की आज्ञा मान करके साईं बाबा के नीम के पेड़ को पानी दिया था। तो आइए चलते हैं, जुड़ते हैं उन लोगों से जिन्होंने पानी दिया था बाबा की आज्ञा मान करके। कुछ लोग पिछले कई वर्षों से साईं की आज्ञा मान करके पानी दे रहे हैं, कुछ लोगों ने पहली बार दिया था। उन सभी के अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक करें, शेयर करें, इससे सबका भला हो सके। और अपने अनुभव भी, जो भी ज्ञान आपके पास साईं का है, उसे मुझ तक पहुंचाएं। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी साईं भक्तों को आपके ज्ञान गंगा में गोदे लगवाऊंगा। तो जुड़े रहिए राम सर जी के साथ, चलते हैं उन भक्तों से मिलते हैं जिन्होंने नीम के पेड़ को पानी दिया था। सबसे पहले जो भक्त जुड़ा हुआ हमारे साथ, वो है रीना फिरोजाबाद से। वो अपने मन की बात कुछ कहना चाहती है, आप सुने ध्यान से। ओम साईं राम सर जी, मैं आज जिस मुकाम पे हूँ और जो मैं कर रही हूँ, बीटीसी कर रही हूँ, मैं बाबा की वजह से ही है। मैं चाहती हूँ जिस तरह बाबा ने मुझ पे कृपा की है, उसी तरह बाबा सभी भक्तों पे कृपा बनाए रखे। दूसरे भक्त है जो हमारे जुड़े हुए हैं, दिल्ली से अरविंद और कीर्ति, बाबा के भक्त हैं दिल्ली से। ओम साईं राम, साईं दरबार धौलपुर, भाई रामू सर कृपा से नीम के पेड़ पे पानी अर्पित करने से बाबा कृपा बना रखे, सबका भला हो। इसके बाद अगले जो बाबा के भक्त हैं वो हैं बूढ़ी अम्मा प्रेमलता, साईं दरबार के बुजुर्ग भाई जय का रूप। हमने 3 सालों से बाबा की आज्ञा मान के नीम के पेड़ पे पानी दिया और ये आज ये ज्ञान हमें धौलपुर राम सर जी से मिला। साईं दरबार के एक रत्न पवन कुनकुटा जी, ये अपने मन की बात रखेंगे, क्या अनुभव प्राप्त किए। ओम साईं राम, मैं साईं सेवादार पवन कुमार, नीम वृक्ष की जड़ों में जल दिया गया, साईनाथ के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम, सभी भक्तों को ओम साईं राम। और अब जुड़े हुए हमारे साथ सरोज कश्यप। ओम साईं, हम दरबार से राम सर की आज्ञा से, बाबा की आज्ञा से, और नीम में हर साल पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनकी कृपा हम पे है हमेशा के लिए, वो हमेशा बनी रहे। और आइए मिलते हैं शीला कुशवा, इन्होंने भी नीम के पेड़ पानी। ओम साईं राम, फायदा मिल रही है, आज्ञा मान रहे हैं बाबा सर जी की आज्ञा। किसने बताया था नीम के पेड़ पानी देने को? राम सर जी ने बताया। बहुत अच्छी याद है। ओम साईं राम, बाबा ने उनसे बोला, बाबा दिन ने हमसे बोला, हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। सुनीता तिवारी। राम, हमने नींद में पानी दिया था सुबह प्रातः काल, और क्या कहते हैं, इस महामारी से बाबा की कृपा हो, सबको सबको छुटकारा हो। के जी साईं कृष्णा महोदय, इनके विचार सुने। ओम साईं राम सर जी, सर की आज्ञा को साईं की आज्ञा मानकर हमने नीम में पानी दिया था, और उस नीम के पानी देने के बाद हमारे घर में सुख और शांति का अनुभव हुआ, और बाबा की बहुत असीमित कृपा हुई, और हम इस दरबार के सेवादार भी हैं। बहुत अच्छा लगा नीम में पानी देकर, और मन को शांति भी मिली। ओम साईं राम।
लोगों ने पूछा रामू सर आपने पानी दिया था, देखिए मैंने पूरा वीडियो शूट किया था और आप देख सकते हैं मैंने अपनी पत्नी सहित परिवार के साथ पानी साईं बाबा की आज्ञा मान करके पिछले कई वर्षों से इस कार्य को कर रहा हूं। इसी कड़ी में जुड़े हुए मान सिंह। ओम साईं राम। हमें रामू सर के दरबार से मालूम हुआ कि नीम के पेड़ में पानी देते थे बीमारी अधूर होती है। 4 साल से हम लगातार पानी देते चला रहे। इस बार भी हमने साईं की कृपा से नीम में पानी दिया और जितनी भी जन कल्याण की सुविधा मिलती है पानी देने से। ये भक्तों के अनुभव है ये अनुभव। कुछ लोगों ने कमेंट की थी कि राम सर जी भांग मत फैलाओ, बाबा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि साईं बाबा के श्री चरित्र श्री साईं सच्चरित्र में हेमंत पंती जी द्वारा जो लिखे थे मराठी भाषा का हिंदी रूपांतरण उस समय आप देख सकते हैं ये वाला चरित्र अगर आपके पास हो तो उस समय आप जब इसको बोलोगे तो शुरुआत में पाठक के निवेदन में ही लेखक के उनके निवेदन में ही इसका वर्णन किया गया है। ऐसा माँ की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को जो भी भक्त नीम के पेड़ में जल दान करते हैं ब्रह्म साईं नाथ उनके जीवन पर उनके जीवन में उनके परिवार खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ते हैं। ये ज्ञान श्री साईं सच्चरित्र में तो दिया ही है बल्कि पाया गया कि ये हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी इसका ज्ञान है लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने इस ज्ञान को छुपा लिया जिससे कि अब आप समझाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमें केवल साईं की जानकारी लेनी है साईं का ज्ञान लेना है, हमें दूसरे धर्म से कोई सरोकार नहीं है, ना ही हम किसी की बुराई करेंगे। हमें साईं के ज्ञान को आगे बढ़ाना है। जुड़े रहिए रामू सर जी के साथ साईं के ज्ञान के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, लाइक करें शेयर करें जिससे सबका भला हो सके।